ने जा रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है आपने पैसा लेना है और कंपनी के नाम के डिबेंचर्स दे देने हैं, इट इज एन ऑब्लिगेशन। ओके, उसको हम कहते हैं इश्यू। यदि आप कंपनी से, कंपनी वापस ले लेगी डिबेंचर को और पैसा वापस कर देगी, उसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। इन सिंपल वर्ड्स यदि मैं बात करूं, इश्यू का मतलब होता है आपने पैसा लिया है और कंपनी ने डिबेंचर दिया है। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। क्या होता है? पेमेंट। अब कभी भी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस यदि आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं टोपी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? टोपी कॉन्सेप्ट। ओके, उसमें हम क्या करते हैं, एक जैसे बर्थडे की पार्टी की जो टोपी होती है वो बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं इश्यू प्राइस और दूसरी तरफ लिखते हैं रिडम्पशन प्राइस। दोनों ही प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, यदि नहीं गिवन है तो यू विल टेक द प्राइस एज जो कि नॉमिनल वैल्यू होगी। जनरल एंट्रीज के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सिंपल है, बैंक ने पैसा आ गया, यदि पैसा आता है वर्ड्स कम इन डेबिट, हमने उसको डेबिट कर दिया, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो आपने बिल्कुल शेयर्स में भी की थी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये तीन चीज़ें डेबिट में लिख दीजिएगा, लॉस और डिस्काउंट क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। टू एक्स परसेंट डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। अब इस टॉपिक का कमाल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 250 डिबेंचर्स 10% ऑफ ₹50, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, दिस इज द नॉमिनल वैल्यू इशूड, दिस इज द टोपी का एक कॉर्नर, इशूड एट 10% डिस्काउंट। आप इसको 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, तो इसका 10% कितना होता है नॉमिनल वैल्यू का, 10% होता है ₹5, यानी आपने कितने में इशू कर दिया 45 में, एग्री। एंड रिडम्पशन ऑफ 5% प्रीमियम, और इसका 5% आप किस में, प्रीमियम में इसको रिडीम कर रहे हैं, यानी कि इसकी पेमेंट देनी है 2 साल के बाद मान लीजिए, तो इसका 5% कितना होता है ₹2.50, आपको पेमेंट कितनी देनी है ₹52.50, और आपने पैसा कितना लिया है ₹45, एग्री। अब इसकी आपको इस जनरल एंट्री के अंदर अमाउंट में एंट्री करनी है, जनरल एंट्री सेम रहेगी, 250 डिबेंचर्स हैं, ₹45 में आपने इशू किया है, तो पहले ₹45 की आप हर जगह एंट्री कर दीजिएगा। इसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू आती है, दिस इज ₹50, आपने ₹5 के डिस्काउंट में इशू किया है, तो ₹5, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, एग्री। यानी 45, सबसे पहले आप देखिएगा इशू ₹45, ₹45 है, 45 45 45, नॉमिनल वैल्यू 50, डैट मीन्स ₹5 डिस्काउंट एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। फिर इसके बाद आपने करना क्या है, चेक द रिडम्पशन प्राइस, आफ्टर दिस चेक द रिडम्पशन विच इज 5% ऑफ एट प्रीमियम, ₹50, 5% प्रीमियम इज ₹52.50 यू हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर्स, तो फिल दिस वैल्यू ओनली ₹2.50, दिस इज द डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम। ये कॉलम खाली रह गया, डैश इट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि डिस्काउंट का क्वेश्चन था तो प्रीमियम नहीं हो सकता है एट द टाइम ऑफ इशू, इशू जो होगा वो या तो प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विद 250 डिबेंचर्स, बिकॉज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी इज 250, मल्टीप्लाई दिस 250 एंड राइट डाउन हियर दिस 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 एंड दिस, यू विल गॉट एटलीस्ट दिस क्वेश्चन 3 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।